माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज की। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। राजन तिवारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने बिहार के रक्सौल से माफिया राजन तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के 36 घंटे बाद राजन तिवारी को यूपी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। जब सोमवार को जमानत अर्जी डाली गई तो जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त गिरोहबंद व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। अभियुक्त के ऊपर हत्या व हत्या के प्रयास के 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसका बाहर रहना उचित नहीं है। राजन तिवारी के अधिवक्ता के द्वारा साजिशन फंसाने की बात कही गई। अदालत ने सबूतों के आधार पर जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।